हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम आए थे फार्म ट्रैक 45 पे, ड्रम रख के पानी का यहाँ स्प्रे करने के लिए। ये देखो चारों तरफ यहाँ पे गन्ने की फसल बो रखी है। यहाँ पे ना तो धान बोए जाते ज़्यादा और ना ही गेहूँ, और दूर दूर तक बस गन्ना ही गन्ना है जहाँ तक भी नज़र जाती है। और यहाँ पे ऐसे खंभे भी गाड़ रखे हैं, लाइन आ रही बड़े वाली वो होती है। और ये देखो भाई इसके पीछे ड्रम रख रखे हैं हमने, और इसमें रख पानी भर के फुल, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रजवा है यहाँ वो देख आप लाइन देख सकते हो, वहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो इसके बराबर में ही रजवाया है। तो अभी वो सूख रहा है, इस वजह से ये ड्रम भर के लाना पड़ा घर से ही, नहीं तो अगर वो चलता है फिर उसमें यहाँ पे एक नाली सी आ रही है उसमें से पानी भर के और फिर उसी में तो ही काम हो जाएगा। लेकिन आज ये लाना पड़ा भर के। और अभी हम इससे किस तरीके से काम करते हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं आप इसे अंदर डुबा के इसके, और यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से भींच के, और फिर यहाँ से डुबा के ना इसके अंदर, और ऐसे यहाँ से भींच कर बाहर निकाल दो, तुरंत यहाँ से पानी आ जाए इस तरीके से कुछ। तो अभी इसको यहीं छोड़ दे इसके अंदर ताकि पानी ना आए। और भाई ये फार्म ट्रैक 45 के बारे में बता दो थोड़ा सा। यह है 45 HP कैटेगरी का, 3 सिलेंडर वाला इंजन है इसके अंदर। तो बाकी फोर्ड का भी और इसका सेम है गेयर बॉक्स। ये देखो मैं ही 4 गेयर के साथ में आया हूँ, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स हाई लो के साथ में। अब इसका एक चीज़ देख लो आप कि जो ये वाला गेयर लीवर है थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ किस तरीके से। वाला गेयर लीवर है ये तो है भाई इस वाले गेयर लीवर का जगह लगा रखा, और जो ये वाला है ये इस वाले, तो ये कुछ मिस्त्री ने ही इसमें चेंजेस कर रखे, नहीं तो ये वाला गेयर लीवर उस साइड में होता है, ये बड़े वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम है इसका, लेकिन इसमें वो आते हैं भाई ऑयल इमर्ज वाले ब्रेक। फार्म ट्रैक में उसमें फोर्ड में आते हैं ड्रम ब्रेक, लेकिन इसमें ऑयल इमर्ज ब्रेक आते हैं, तो इसके ब्रेकिंग थोड़ी सी पावरफुल है फोर्ड से। बाकी स्टेयरिंग में भी इसके काफ़ी चेंजेस है फोर्ड के अगर कंपेरिजन करूँ, क्योंकि आपने हमारी फोर्ड के भी वीडियो देखी होंगी काफ़ी। तो ये देखो जो इसका अगला हिस्सा है ये पूरा ही चेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसका स्टेयरिंग भी उससे काफ़ी, जो स्पैंडल है ये मजबूत है इसके, मतलब जो इसके स्पैंडल हैं ये फोर से मजबूत हैं और देखने में भी ठीक ठाक है वैसे सिस्टम इसका। ये एडजस्टेबल है इसका सिस्टम, यहाँ से ये जो 2 बोल्ट देख रहे हैं आप यहाँ से खुल के से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। फोर्ड में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, फोर्ड में तो भाई जहाँ पे इसे सेट कर रखा कंपनी ने बस वहीं पे ही है इसका सिस्टम सब। और यहाँ पे इसमें दिया गया है हाइड्रोलिक के लिए एक अलग से पंप, ये भी फोर्ड में नहीं मिलता, ये भी इसी में ही है सिर्फ। और ये तो भाई इसमें भी आता है ये जो ये अलग से फिल्टर होता है हाइड्रोलिक के लिए ही। लेकिन अगर पावर स्टीयरिंग अगर इसे करना हो तो यहाँ पे एक और डर या फिर ड्यूल पंप लग जाते हैं, ये पावर स्टीयरिंग का और ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए। तो फिर ड्यूल पंप करते ही ये पावर स्टीयरिंग में भी इसे अपग्रेड कर सकते हैं। और मॉडल पता नहीं है, पुराना ही है वैसे तो। अभी इसकी हेडलैम्प भी चेंज कराई थी, ये देखो नई वाली हेडलैम्प लगा रखी है इसमें, वैसे पहले भी इसमें ऐसे ही आती थी लेकिन इनकी वो ठीक ठाक है, मतलब लाइट है दोनों साइड की चेंज करा रखी है। और बैटरा भी इसके अंदर जो बैटरी होती है वो भी एक साइड की नई वाली रखवाई थी, अभी इसकी सर्विस कराई थी फुल्ली, तो जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो इसकी पुरानी हो गई थी वो अपग्रेड करा दी इसमें नहीं। भाई ऐसी लुक मिलती है इसकी बिल्कुल, और ये देखना पेंट बिल्कुल इसका खतरनाक है भाई, वो पेंट जैसा फार्म ट्रैक का आता है ऐसा कोई से ट्रैक्टर का नहीं मिलता। अभी भी इसे बहुत पुराना ट्रैक्टर है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा मॉडल है बाद में, लेकिन पेंट इसका काफ़ी बढ़िया पेंट दे रखा कंपनी ने। और ये देखो मीटर भी इसका ऐसा ही मिलता है जैसा फोर्ड में आता है, और ये यहाँ पे 2 स्विच दे रखे हैं, और ये रेस है इसकी, इंडिकेटर वगैरह भी हैं सभी इसके साथ में, ये ऊपर छतरी लगा रखी है इन्होंने। तो ये है भाई फार्म ट्रैक 45 का पुराना मॉडल। वही ब्रेक पैडल दिखाता हूँ मैं आपको, बस इतने से ही इसमें बस ये इतना गैप है भाई बिल्कुल, और इतने से में ही ये बिल्कुल जाम हो जाता है टायर दोनों पिछले, और ये काफ़ी मजबूत, मतलब अगर हमें इमरजेंसी में लगाने पड़ जाएँ तो पूरा ट्रैक्टर जाम कर देते हैं। बाकी ये इसमें ऐसा ही मिलता है जैसे फोर्ड में हैंड ब्रेक है इसका, ये कुछ इस तरीके से हम इस वाले से
इस वाले ब्रेक पैडल को इससे जाम कर सकते हैं, ये सभी ट्रैक्टर में मिलता है सेम ही। और यहाँ से इसको हम फिर रिलीज मतलब हटा भी सकते हैं। तो ये है भाई फार्मट्रैक 45 का सिस्टम, कुछ नीचे से ऐसा है भाई। अभी भी देखो यहाँ पे एक रबड़ गियर रखी थी जैसी ये अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो उसे हटाने के बाद बिल्कुल नया निकला अंदर से। एक चीज़ और दिखाने की है इसमें, देखो इसका जो सेल्फ है अभी देखना, इसका साइज़ काफ़ी छोटा है भाई फोर्ड के कंपैरिजन से। फोर्ड में ये बहुत ही बड़ा होता था, अभी हमने भी उसमें अपग्रेड कराया था फोर्ड 3600 में, उसका थोड़ा मोटा था साइज़ में भी और लंबा भी था इससे। लेकिन इसमें मिलता है हाई स्पीड सेल्फ, जो कि ज़रा से इसमें भी मतलब अगर आपने ज़रा सी चाबी घुमाई तो उसमें स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो फोर्ड का होता था उसमें थोड़ा सा लंबा चाबी लगानी पड़ती थी, और वो बैटरी भी मतलब बैटरी कंजप्शन भी उसकी थोड़ी ज़्यादा थी इसके कंपैरिजन में, इसलिए यही अपग्रेड कराना पड़ता है फोर्ड में भी जिसके पास भी है। तो ये थी एक चीज़। एक मेन चीज़ होती है भाई टायर, तो इसके टायर फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हैं भाई 6.0016 के, जो कि फार्मट्रैक 45 में आते थे, और पिछले हैं पिछले मिलते हैं इसमें 13.628 के। तो ये हैं पिछले 13.628 के, और जो नया मॉडल आता है उसमें भी यही सेम टायर साइज मिलता है, जो कि कई भाई मॉडिफाई करा के उसमें अगले तो गिरवा लेते हैं 7.50 के, और पिछले गिरवाते हैं 14.28 के। और जो उसमें पावर स्टीयरिंग भी मिलता है, जो अभी नया मॉडल आ रहा है फार्मट्रैक 45 का, तो उसमें पावर स्टीयरिंग आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये फ्रंट टायर चेंज कराने पड़ते हैं। क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग होता है उसमें जो छोटे टायर होते हैं थोड़े जल्दी घिसते हैं, इस वजह से मैं अपग्रेड करा के जो 750 के टायर मतलब बड़े टायर होते हैं वही उसमें अपग्रेड कराते हैं ज़्यादातर। तो ये एक चीज़ है भाई फ्रंट टायर किसकी। बाकी अगर नॉर्मल स्टीयरिंग जो मैकेनिकल स्टीयरिंग होता है उसमें तो यही सही रहते हैं। तो ये था भाई वो टायर साइज इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।